मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। सिवनी में भारी बारिश की वजह से नदी नालों में सैलाब आ चुका है, जिसकी वजह से कई गांव और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो वहीं नदी में आए सैलाब की वजह से कुछ लोग घिर गए हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया गया, साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बताया गया कि केवलारी ब्लॉक के खरपड़िया गांव में एक महिला समेत 5 लोग टापू पर फंस गए थे और सभी लोग वहां पर मवेशी चराने के लिए गए हुए थे, जिन्हें बाद में हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, कैसे बारिश के पानी ने वहां पर बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं, क्योंकि नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी गई है और ऐसे में तमाम सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच कुछ लोग जो पानी में फंस गए थे उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया है। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कैसे हालात बने हुए हैं। जो भी आने जाने वाली जगह है वहां सब जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी, यानी घर से बाहर कदम रखिए और पानी में पैर पड़ेंगे आपके। मॉनसून ने दस्तक क्या दी, कई राज्यों में तस्वीर ही बदल गई है। ये आप देखिए शहर दर शहर ये तस्वीरें हैं। लोग घर से बाहर निकलते तो इतने इतने पानी में निकलना पड़ता है, गाड़ियां घर से निकालते हैं तो इस तरीके से गाड़ियां फंस जाती हैं। ये शहरों की तस्वीर है एक मॉनसून के दस्तक के बाद। और ये तस्वीर देखिए जहां पर हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया, क्योंकि वो बारिश के पानी में फंस गए थे। बाढ़ का पानी वहां पर जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां सैलाब जैसे हालात आ गए थे और ये 5 से 6 लोग वहां टापू के बीच फंस गए थे, जिन्हें बाद में हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। ये सिवनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 5 से 6 लोग थे, महिलाएं भी उसमें थी, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां पर उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। अब आपको छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक आई तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से यहां करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा पुल नदी में गिर गया। बताया जा रहा है कि शिवनाथ नदी के में आए उफान की वजह से पुल का स्ट्रक्चर नदी में गिर गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की यह तस्वीर है, जहां पर नदी में तेज बहाव क्या आया, किस तरीके से पूरा का पूरा निर्माणाधीन पुल बह गया है। आप जरा कल्पना कीजिए कि ये अगर बनकर तैयार होता तो इसकी स्थिति क्या थी। बस नदी में उफान क्या है, ये पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हालांकि ये निर्माणाधीन पुल था, इसे बनाया जा रहा था, इसका स्ट्रक्चर तैयार किया जा चुका था, लेकिन सैलाब, देखिए सैलाब ने किस तरीके से इसे ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया और ये पुल जो कि वहां बनाया जा रहा था वो इसमें समा गया। जहां भी भ्रष्टाचार की बू आती है वहां से ऐसे ही तस्वीरें मिलती है, वरना किस तरीके से ये निर्माण हुआ कि एक मॉनसून की बारिश ने इसे इस तरीके से ध्वस्त कर दिया। तो गुजरात में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के कई शहरों में झमाझम बारिश हो रही है, आसमान से इतना पानी गिरा कि लोग बेहाल हो गए हैं। शहर में हर तरफ पानी ही पानी भरा नजर आया और ट्रैफिक की रफ्तार भी थम चुकी है। शहर शहर आसमानी आफत, बारिश के आगे बेदम हुई जिंदगी, सड़क बनी दरिया, पानी में रेंगती गाड़ियां। गुजरात के कई शहरों में मानसून वाली आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। आसमान से इतना पानी बरसा कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गई और सभी साधन धरे के धरे रह गए। कुदरत के आगे सभी इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अब गुजरात के सूरत से आई इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ इतनी बारिश हुई कि लोग बेहाल दिखे। हाईवे के पास सर्विस रोड पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई। इस सड़क पर इतना पानी भर गया कि उसका अंदाजा लग पाना भी मुश्किल था। हालात ये थे कि सर्विस रोड के आगे की तरफ जा रहे लोगों को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा।